कोविड 19 के इलाज में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए अब निजी और सरकारी कंपनियों ने पॉजिटिव पहल की है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल जनरल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी। वहीं सरकारी समिति इफको ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। गौरतलब है कि कोविड 19 के गंभीर हालात वाले मरीजों के इलाज के लिए मेडिकल ऑक्सीजन बहुत जरूरी है और इसकी देश भर में भारी किल्लत चल रही है। टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी टाटा स्टील रोज 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। रविवार को कंपनी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए हमने ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। यह सप्लाई विभिन्न राज्य सरकारों और अस्पतालों में की जा रही है। इसके पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र सरकार को 100 टन ऑक्सीजन भेजे हैं। कुछ दिनों पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात को अपने प्लांट से 100 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र सरकार को भेजी थी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL जामनगर में स्थित अपनी दो तेल रिफाइनरों से महाराष्ट्र में ट्रकों से 100 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से रविवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक अब केवल नौ जरूरी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।